नमस्कार बच्चों, मैं विकास शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं श्री श्याम ग्रुप ऑफ एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। अपने प्लस वन की फिजिक्स पढ़ रहे थे और इसके अंदर अपने विमा जो टॉपिक है उसके बारे में पढ़ रहे थे और विमाओं के उपयोग जो है वो हम लोग देख चुके थे। ठीक है, अब जो अपने लास्ट उपयोग पढ़ रहे थे विमा का, मातृकों को एक पत्ती से दूसरी पत्ती में बदलना, मातृकों को एक पद्धति से दूसरी पद्धति में बदलना, दूसरी पद्धति में बदलना। तो अपने ये पढ़ रहे थे कि विमा की सहायता से मातृकों की एक पत्ती को दूसरी पत्ती में कैसे बदला जाता है। ठीक है, इसके बारे में अपने चर्चा कर चुके हैं। सिर्फ जो फॉर्मूला है उस फॉर्मूले को लिखता हूँ। अपने ये फॉर्मूला निकाल चुके थे एम वन अपॉन एम टू इसकी पावर ए और एल वन बटा एल टू इसकी पावर बी और टी वन बटा टी टू और इसकी पावर सी। ये अपने पास में एक फॉर्मूला आ चुका था और अपने पास में यहाँ जो भौतिक राशि थी वो क्यू थी, जिसकी विमा अपने एम ए एल बी और टी सी लेकर के चल रहे थे। अब अपने को क्या करना है, कोई एक एग्जांपल लेना है, जिसे अपने शुरू भी कर दिया था जो बीच में रह गया था अपना, कोई एक एग्जांपल लेना है। जैसे आपको बोल दिया जाए कि बताइए विमीय विधि से कि एक न्यूटन में कितने डायन होते हैं, डी से लिखते हैं, एक न्यूटन में कितने डायन होते हैं। अगर आपको ये बोल दिया जाए कि एक न्यूटन में कितने डायन होते हैं तो इसे आप किस प्रकार से सॉल्व करोगे। तो इसके अंदर अपने को क्या देखना है, अपने को देखना है कि एक न्यूटन जो है वो कितने डायन के इक्वल है। यदि अपनी तुलना करें एन वन यू वन बराबर क्या लिखा था, एन टू यू टू लिखा था। लास्ट वीडियो के अंदर आप देख सकते हो कि अपने लिखा था एन वन यू वन इक्वल एन टू यू टू। ठीक है, इसके अंदर अपने यदि कंपेरिजन करके देखें तो यहाँ देख सकते हो आप कि एन वन जो है उसका मान कितना है, एक है, और एन टू का जो मान है वो अपने को क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक है, और दूसरा आपको पता है कि न्यूटन जो है वो किसका मात्रक है, बल का मात्रक है। तो इसकी विमा भी आपको याद होनी चाहिए एम वन एल वन टी माइनस का टू। ये अपने पास में क्या है, इसकी विमा है, जो अपने बल एफ से जिसे लिखते हैं उसकी विमा क्या है, एम वन एल वन टी माइनस का टू। ये अपने पास में इसकी विमा है। अपने को क्या करना है, सबसे पहले तो अपने को कंपेरिजन करना है इस क्यू के साथ। जैसे यहाँ भौतिक राशि क्यू ले रखी है तो अब अपने पास में क्या है, एक भौतिक राशि बल है और ये इसकी विमा है। तो यहाँ इसकी विमा जो वो क्या है, एम वन एल वन टी माइनस का टू है। तो सबसे पहला काम आपका इस लाइन की और इसकी कंपेरिजन करना पड़ेगा। यहाँ से आप लोग लिख सकते हो ए का मान कितना है, एक है, बी का मान भी कितना है, एक है, और सी का मान कितना है, माइनस का टू है। ठीक है, तो ए इक्वल एक, बी इक्वल एक और सी का मान कितना है, माइनस का टू है। अब ये जो मान है ये अपने को कहाँ रखने हैं, समीकरण एक में रखने हैं। ठीक है, समीकरण एक में यदि आप लोग रखोगे तो आपको पता होगा एन टू इक्वल एन वन, और आपको ये भी पता होना चाहिए कि एम वन लिखा हुआ है एम वन एल वन टी वन, यानी ये किसके लिए लिखे गए हैं, यू वन के लिए लिखे गए हैं, और यू वन जो अपने मात्रक ले रखा है वो कौन सी पत्ती के अंदर है, अपना एम के पत्ती के अंदर है। ठीक है, और यू टू जो अपने मात्रक ले रखा है वो कौन सी पत्ती के अंदर है, वो अपने सी जी एस पत्ती के अंदर है। यानी जो अपने टर्म लिख रखी है एम वन एल वन टी वन, ये अपने कौन से वाले के लिए लिखी है, उसके लिए लिखी है जिसका जिसके साथ में एन वन है। यानी एक न्यूटन के लिए अपने क्या लिखा हुआ है, अपने लिखा हुआ है एन वन एम वन एल वन और टी वन। तो एन वन का मान तो अपने पास में एक हो गया, तो यहाँ आप लिख सकते हो इसका मान तो कितना है, एक है। अब आपको देखना पड़ेगा कि M1, L1 और T1 की जगह आप लोग क्या रखते हो, यहां पर वही तीन बन जाएंगे फिर से इस प्रकार से। ठीक है, अब आप क्या करोगे, यहां देखो M1, तो M1 की जगह आप क्या लिख दोगे, केजी लिख दोगे, M2 की जगह आप लोग क्या लिख दोगे, ग्राम लिख दोगे। ठीक है, यहां क्या आएगा, मीटर आएगा, और यहां क्या आएगा, सेंटीमीटर आएगा, यहाँ सेकंड आएगा, और इसकी पावर एक, इसकी पावर एक, और इसकी पावर माइनस का टू आ जाएगी। ठीक है, तो ये जो अपने लिखा हुआ है एम वन बटा एम टू,
इसकी पावर एक, L1 बटा L2 इसकी पावर भी एक, और T1 बटा T2 इसकी पावर कितना, माइनस का 2। ठीक है, ये जो अपने लिखा है केजी मीटर सेकंड, ये अपने कौन सी पत्ति को ध्यान में रखकर के लिखा है, ये अपने MKS पत्ति को ध्यान में रखकर लिखा है, और जो ग्राम सेंटीमीटर सेकंड ये अपने लिखा है ये CGS पत्ति को ध्यान में रखकर लिखा है, और यह आपने क्या लिख दिया, N1 लिख दिया। अब देखो अपने आगे बढ़ते हैं, अपने लिखते हैं इसे N2 इक्वल, N1 का मान तो एक हो गया, अब चाहो तो एक लिख सकते हो वरना एक को लिखने की कोई जरूरत नहीं है, KG/GM। अपने को बदलना किसे, अपने को केजी में तो अपने को मान पता है, केजी मीटर सेकंड, इसके अंदर तो अपने को संख्यात्मक मान पता था एक आने वाला है, पर अपने को इसमें नहीं पता ग्राम सेंटीमीटर सेकंड इसमें क्या है, तो अपने को इनको बदलना पड़ेगा, किसके अंदर बदलना पड़ेगा, CGS पत्ती के अंदर बदलना पड़ेगा। आपको पता है कि जब भी अपने केजी को बदलते हैं तो अपने क्या लिखते हैं, 1000 लिखते हैं, और अपॉन में क्या लिखा हुआ है, और इसकी पावर कितनी है, एक है, और मीटर को किस में बदलना पड़ेगा, सेंटीमीटर में बदलना पड़ेगा, तो अपने क्या लिखेंगे, 100 और साथ में सेंटीमीटर, ठीक है, और अपॉन में क्या लिखा हुआ है, अपॉन में सिर्फ सेंटीमीटर लिखा हुआ है, और इसकी पावर भी कितनी है, एक है, और सेकंड को बदलने की जरूरत है नहीं, क्योंकि सेकंड MKS में और CGS में और FPS में SI में सभी में ये जो है कितना रहता है, सेकेंड ही रहता है। ठीक है, यहाँ से आप लोग देख सकते हो ये इससे कैंसिल हो गया, और सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया, तो सेकंड वाली का तो जिक्र करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि यहाँ तो एक आने वाला है और एक की पावर माइनस दो करेंगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसका मान एक ही रहेगा। इनको देखते हैं तो इनको आप देख सकते हो कि N2 इक्वल ये एक हो गया गुणा, इसे आप क्या लिख सकते हो, इसे आप लोग लिख सकते हो 10^3, और इसे कितना लिख सकते हो 10^2, और साथ में एक लिखा हुआ है। ठीक है, एक को लिखे या ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो N2 इक्वल 10^5 कितनी, 5 आ जाएगी, तो N2 का मान आपके पास में कितना है, 10^5 आए। अब आप लोग देख सकते हो कि आपको जो ज्ञात करना था, यहाँ से आपको क्या ज्ञात करना था, आपको ज्ञात करना था कि 1 न्यूटन जो है उसमें कितने डायन होते हैं, तो आप लोग लिख सकते हो कि 1 न्यूटन जो है उसमें 10^5 डायन होते हैं। ठीक है, ये रिलेशन उम्मीद करता हूँ कि आपको पहले से ही पता था कि 1 न्यूटन जो होता है उसमें कितने डायन होते हैं, 10^5 डायन होते हैं। अगर आपको नहीं पता है तो आपको अब हमेशा ही याद रखना है कि 1 न्यूटन जो होता है उसमें कितने डायन होते हैं, 1 न्यूटन में 10^5 डायन होते हैं। ठीक है, फिर से सारी बातें बता देता हूँ आपको, सबसे पहले तो ये फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है, फॉर्मूला कहाँ से है, इसके लिए अपने लास्ट वीडियो जो है उसके अंदर आप देख सकते हो कि ये फॉर्मूला अपने कहाँ से लिखा था, फिर अपने ये भी लिखा हुआ है, और अपने एग्जांपल दे दिया, जैसे आपको बोल दे कि 1 न्यूटन में कितने डायन होते हैं, तो आपने क्या किया, आपने कंपेरिजन किया N1U1 बराबर N2U2 से, तो N1 का मान तो एक हो गया, N2 का मान अपने को क्या करना है, ज्ञात करना है। न्यूटन किसका मात्रक होता है, बल का मात्रक होता है, तो अपने बल का विमीय सूत्र लिख दिया, और ए बी और सी का मान रख दिया, विमीय सूत्र M1 L1 T- का 2 होता है इसका। ठीक है, और अपने ये सारे मान रख दिए, और ये जो केजी मीटर है इन सबको किस में बदल दिया, सेंटीमीटर में, और इसे किस में बदल दिया, ग्राम में बदल दिया, सारे मान रख दिए, जो कैंसिल हो रहा था उसे काट दिया, यहाँ एक लिखना चाहो तो लिख दो वरना ना लिखो, और N2 का मान 10^5 है, 1 न्यूटन में कितने डायन हो गए, 10^5 डायन हो गए। ठीक है, आपको ध्यान क्या रखना है, अगर आपसे उल्टा पूछ लिया जाता कि आपको दे दिया जाता कि 10^5 डायन के अंदर कितने न्यूटन होते हैं, तो आपको क्या करना होता, अगर आपको ऐसी टर्म बदलनी होती तो फिर आप क्या करते, जो ये वाली टर्म है, ये वाली टर्म, इसे आप आगे ले जाते, यानी यहाँ आपने ये देख सकते हो आप लोग, यहाँ आपने किसका मान ज्ञात कर रहे थे, N2 का मान ज्ञात कर रहे थे, तो अपॉन में किसे भेज दिया, U2 को भेज दिया। अगर N1 का मान आपको ज्ञात करना हो तो बाद में किसको भेज दोगे, U1 को भेज दोगे। ध्यान रखना कि अपने जिस पत्ती के अंदर मान ज्ञात कर रहे हैं वो पत्ती अपने इसमें नीचे की ओर आ रही है। ठीक है, और इस प्रकार अपने क्या कर सकते हैं, 1 न्यूटन में और डायन में संबंध व्युत्पन्न कर सकते हैं। इसी प्रकार एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे आपको बोल दें कि 1 जूल में कितने अर्घ होते हैं, 1 जूल में कितने अर्घ होते हैं, तो अगर आपको ऐसा बोल दिया जाए कि बताइए 1 जूल, इसे ऐसे लिखते हैं हमने कि 1 जूल जो होता है उसमें कितने अर्घ होते हैं, अगर आपसे ये पूछा जाए तो
आप लोग इसके लिए भी संबंध क्या कर सकते हो, व्युत्पन्न कर सकते हो। दूसरा, आपको पता होना चाहिए कि ये जो आपने जूल लिखा हुआ है, ये जूल किसका मात्रक होता है, ये कार्य का मात्रक होता है, ये ऊर्जा का मात्रक होता है। किसका मात्रक होता है, ये कार्य का भी मात्रक होता है और ये ऊर्जा का भी मात्रक होता है, ठीक है। और कार्य और ऊर्जा की अगर बात करें तो आपको पता होना चाहिए कि कार्य या ऊर्जा का सूत्र अपने जब भी लिखते हैं तो अपने कार्य से काम चला लें, कार्य को लिखते हैं अपने बल गुणा विस्थापन। बल की विमीय सूत्र, ये देखो बल का विमीय सूत्र आपको मैंने बताया था, कम से कम बल का विमीय सूत्र जरूर याद रखना। तो बल का विमीय सूत्र m1 l1 t - 2 है। तो कार्य की जब आप लोग बात करोगे तो बल गुणा विस्थापन, इसके साथ में किसकी विमा और आ जाएगी, विस्थापन की विमा और आ जाएगी, और एल की पावर कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, ठीक है। यानी इसका जब विमीय सूत्र लिखोगे तो आप क्या लिखते हो इसे, आप लिखते हो बल गुणा विस्थापन। साथ के साथ विमा एक बार फिर से पता चल जाएगी आपको कैसे लिखते हैं। बल की विमा m1 l1 t - 2 किसकी विमा है, बल की, और विस्थापन की विमा लिखोगे तो कितना आएगा, सिर्फ L1 आएगा। और कार्य की विमा क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी m1 l2 और t - 2, ठीक है। ये किसकी है, W से लिख दें यदि अपने इसे कार्य को, तो ये क्या आ जाएगा, m1 l2 t - 2, कार्य की विमा आ जाएगी। अब देखो अगर अपने इसका भी कंपेरिजन करें, किसके साथ करें इसका कंपेरिजन, इस भौतिक राशि के साथ करें, तो आपके पास में ए बी और सी के मान आएंगे, ए का मान 1, बी का मान 2 और सी का मान -2, ठीक है। सारी बातें वही, आपको ये फॉर्मूला जो है फिर से लगाना पड़ेगा। अगर ये फॉर्मूला लगाओ तो मैं सीधा लिख देता हूँ, तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, आपको लिखना पड़ेगा n2 = n1, ये जो टर्म है वो क्या है, n1, और इसका मान कितना है, 1 है, इसका मान कितना है, 1 है। अब आप क्या लिखोगे, अब आप लिखोगे kg/g और meter/cm और क्या लिखोगे, second/second। अब पावर लिख दो इसकी, c का मान -2 है, b का मान 2 है और इसका मान क्या है, 1 है, ठीक है। थोड़ा ये ध्यान रखना कि पावर वगैरह साथ के साथ लिखते जाना, बाद में अगर भूल जाओ तो आपका डेरिवेशन गलत हो जाएगा, ठीक है। देखो अगर आप सीधा यहाँ से देखना चाहो, बोर्ड पर जितनी टर्म लिखी गई है उन टर्म को देखो, अब इसे देखो, ठीक है, इस टर्म में और इस टर्म में फ़र्क किसका है, इस बात का है कि इसमें पावर 1 है और इसमें पावर क्या है, 2 है, ठीक है। उसके अलावा इसे जो आप लोग सेंटीमीटर में बदलोगे, केजी में बदलोगे, सारे मान वही आने वाले हैं। यानी ये जो 100 आने वाला है इसकी क्या होगी, स्क्वेयर होगी। 100 की स्क्वेयर होने का मतलब 10^2 की बजाय 10^4, और 10^4 होने का मतलब यहाँ पर 2 और जुड़ जाएगी और 10^7 आ जाएगा, ठीक है। तो इसे आप लोग क्या लिख सकते हो, अगर लास्ट में लिखूँ तो मैं, ये बनेगा n2 = चलो ऊपर लिख देता हूँ, शायद आपको दिखाई ना दे रहा हो, या लिख देता हूँ, तो देख सकते हो आप लोग, ये बनेगा n2 = 1 और केजी को क्या लिख दिया आपने, 1000 g लिख दिया, अपॉन में क्या लिख दिया, ग्राम लिख दिया, इसकी पावर 1 लिख दी, और साथ में अपने 100 cm लिख दिया और अपॉन में सेंटीमीटर लिखा हुआ है, ये कैंसिल होने वाला है यहाँ से, और इसकी पावर 2 है। सेकंड तो देखनी नहीं पड़ेगी अपने को, क्योंकि सेकंड तो सेम ही होती है, तो सेकंड तो यहाँ से सीधी निरस्त हो जाएगी। तो n2 = 1 लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, यहाँ 1000 और 100 कितनी बार, 2 बार, तो 10^3 ये होगी, 10^2 ये होगी और 10^2 ये होगी, ठीक है। जब आधार समान होता है तो घातों का क्या होता है, योग होता है, तो 3, 2, 5 और 2, 7, तो n2 का मान कितना आ गया आपके पास में, 7 आ गया, ठीक है। यानी इसे आप क्या लिख सकते हो, इसे आप लोग लिख सकते हो कि अपने n2 का जो मान है वो क्या है, ये अपने पीछे वाला न्यूमेरिकल का पार्ट है, अपना नया न्यूमेरिकल यहाँ से शुरू था, तो यहाँ से अपने शुरू कर रहे थे इसे, और n2 का मान अपने क्या निकाल दिया, 10^7 निकाल दिया, n2 का मान 10^7 हो गया। इसका मतलब यहाँ जब अपने इसे लिखेंगे तो क्या लिखें, अपने लिखेंगे कि 1 जूल जो होता है उसमें कितने अर्घ होते हैं, 10^7 अर्घ होते हैं, ठीक है। ये अपने पास में क्या है, 1 जूल में और 1 जूल में और अर्घ में संबंध है, 1 जूल बराबर होता है 10^7 अर्घ के। और ये जो पीछे वाला न्यूमेरिकल था इसके अंदर अपने देखा था कि 1 न्यूटन जो है वो किसके बराबर होता है, 10^5 डैन के बराबर होता है। फर्क सिर्फ इसका है, देख सकते हो आप इसे, यहाँ 1 है और यहाँ कितना है, 2 है, ठीक। तो अब आपने देख लिया कि विमाओं की सहायता से अपने क्या कर सकते हैं, जो अपने विमीय सूत्र लिखा है उसकी सत्यता की जाँच कर सकते हैं, कोई भी समीकरण आपने लिखी हो
तो आप देख सकते हो कि वो समीकरण सही है या गलत है। ठीक है, दूसरा आप विभिन्न राशियों के बीच में क्या कर सकते थे, संबंध स्थापित कर सकते थे। ठीक है, और इसके अलावा विमा की सहायता से आपने क्या कर लिया, मात्रकों की पद्धति को भी बदल लिया। एक इसी के अंदर समांगता का नियम आता है जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ, समांगता का नियम। ये नियम क्या था, ये नियम था कि प्रत्येक पद की विमा हमेशा क्या रहती है, एक समान रहती है। यानी आपने कोई एक समीकरण लिख दी तो समीकरण के प्रत्येक पद की विमा, जैसे v इक्वल यू प्लस ए टी, तो v की विमा u के बराबर और वो जो विमा है किसके बराबर, ए टी के बराबर होती है। ठीक है, यानी प्रत्येक पद की विमा जो है वो हमेशा क्या रहती है, एक समान रहती है। जैसे प्लस माइनस आया तो अलग पद बन जाएगा और उसकी विमा फिर क्या रहेगी, एक समान रहेगी। तो ये अपना टॉपिक था विमाएं। ठीक है, इसी के साथ ये टॉपिक भी अपना कंप्लीट हो जाता है। अब अपने बात करेंगे विमा जो होती है उसकी सीमाबंध क्या क्या होते हैं, यानी विमा जो है उसकी सीमाएं क्या क्या होती है। ठीक है, देखिए देखिए अपना टॉपिक है विमीय समीकरण के सीमा बंधन। इसका मतलब हुआ कि जब अपने विमा लिखते हैं तो बहुत सारी बातों के बारे में तो अपने विमा ही बता रही थी, अब अपने बात करनी पड़ेगी कि विमा लिखते समय कौन सी बातें हैं जिनके बारे में अपने विमा के द्वारा पता नहीं लगा सकते। तो देखते हैं, देखिए कुछ एक बातें जैसे आप लोगों ने देखी थी कि विमा की सहायता से अपने क्या कर रहे थे, किसी समीकरण जो थी उसका व्युत्पन्न कर रहे थे, समीकरण में जो पद आ रहे थे उनके मध्य संबंध स्थापित कर रहे थे। पर वहाँ आप लोगों ने जब समीकरण स्थापित की थी तो लास्ट वीडियो आपने देखा था, वहाँ मैंने एक संबंध व्युत्पन्न करके आपको दिखाया था। एक तो आपने व्युत्पन्न किया था एफ इक्वल एम ए और एक एच इक्वल या एच इक्वल हाफ ए टी स्क्वेयर लिखा था। तो ये जो टर्म आ रही थी यहाँ के भी आया था जिसका मान अपने क्या किया था, एक किया था और अपने क्या लिख दिया था, एफ इक्वल एम ए। तो इसके बारे में अपने विमा नहीं बताएगी, यानी जो अपने एक बटा दो लिखा है यहाँ अपने एक लिखा है विमीय समीकरण की सहायता से, इसके बारे में आप पता नहीं लगा सकते। यानी आप यहाँ से क्या नहीं कर सकते, आप जो शुद्ध संख्याएं होती है यानी जो शुद्ध संख्याएं होती है या जो शुद्ध नियतांक आप बोल सकते हो, यानी जो नियतांक भी कौन से, विमाहीन नियतांक वो नियतांक जिनकी विमाएं नहीं होती है। ठीक है, तो विमाहीन नियतांक जो होते हैं एक तो वो, और एक आप लोग जो शुद्ध संख्यात्मक मान होता है यानी जो शुद्ध संख्याएँ होती है उनके बारे में विमीय समीकरण की सहायता से पता नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते, क्योंकि जो शुद्ध संख्याएं होती है और जो नियतांक होते हैं, जैसे अपने नियतांक लिख देते हैं, सी लगा देते हैं, समाकलन वगैरह करते हैं, तब और भी अपने नियतांक लिख देते हैं, तो उन नियतांकों की कोई विमा नहीं होती है। ठीक है, तो जब उनकी कोई विमा ही नहीं होगी तो सीधी सी बात है कि विमीय समीकरण की सहायता से उसके बारे में अपने पता भी नहीं लगा सकेंगे। तो एक इसका जो कमी है वो क्या है कि जो अपने सूत्र के अंदर शुद्ध संख्याएं आ रही है, जो नियतांक आ रहा है, उसके बारे में अपने को विमा जो है वो नहीं बताएगी। तो इसकी एक तो सीमा ये हो जाती है। दूसरा, समीकरण के अंदर अपने कुछ ऐसे पद आ जाते हैं जैसे साइन थीटा आ गया या कोस थीटा आ गया या टेन थीटा आ गया। इसके अलावा ई की पावर के अंदर कोई पद आ गया, ई की पावर के अंदर जैसे ए बी सी अपने लगा देते हैं, लॉग के अंदर कोई टर्म आ गई। अगर इस प्रकार की राशियां अपने विमीय समीकरण के अंदर आती है जिसमें क्या हो, नियतांक हो या कोई लॉगरिथम हो या फिर कोई आपके पास में ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन हो जैसे साइन कोस टेन कोट कोसेक सेक जो भी है, इनमें से अगर कोई आता है तो इन सब की विमाएं अपने पास में नहीं होती है। ठीक है, अब अगर इनकी विमाएं नहीं होगी तो सीधी सी बात है कि इनका अपने जो पता है ये समीकरण सही है या नहीं है इसके बारे में अपना पता नहीं लगा सकेंगे। क्यों, क्योंकि इनकी विमाएं भी नहीं होती है। ठीक है, तो
जिनकी बीमाएँ नहीं होती है उसके बारे में अपने विमीय समीकरण की सहायता से पता नहीं लगा सकते, एक अपने कोई नया सूत्र जो है वो भी उत्पन्न नहीं कर सकते। बीमा की सहायता से आप लोग क्या नहीं कर सकते, कोई नया सूत्र जो है वो भी उत्पन्न नहीं कर सकते, ठीक है। यानी आप बीमा की सहायता से ये नहीं कर सकते कि आपको पहले से पता नहीं है और आपने कोई एक नया सूत्र बना दिया है। यानी बीमा की सहायता से जैसे कल आपने ये व्युत्पन्न किया था एच और ए और टी या एफ एम और ए, तो यहाँ आपको क्वेश्चन में पहले ही बता दिया था कि आपका जो F है वो किस पर डिपेंड करता है, A पर डिपेंड करता है, T पर डिपेंड करता है। H जो है वो किस पर डिपेंड करता है, वो A पर डिपेंड करता है और T पर डिपेंड करता है। अगर आपको इसके बारे में नहीं पता होता कि यानी क्वेश्चन के अंदर अगर आपको ये नहीं पता होता कि H डिपेंड किस पर करता है, F डिपेंड किस पर करता है, तो जो फॉर्मूला अपने व्युत्पन्न कर रहे थे जैसे ये किया था ये किया था, ये अपने व्युत्पन्न नहीं होता। यानी बीमा की सहायता से आप पहले से ज्ञात समीकरणों को ही क्या कर सकते हो, व्युत्पन्न कर सकते हो। बीमा की सहायता से आप कोई नया सूत्र स्थापित नहीं कर सकते, तो ये भी क्या है, बीमा की एक कमी है। और अगर कमी की बात की जाए तो अदिश या सदिश जो राशि होती है, अदिश या सदिश, मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि भौतिक राशियां जो है एक तो अपने व्युत्पन्न, एक तो अपने बिल्कुल शुरुआत में बात की थी मात्रकों के अकॉर्डिंग अपने मूल राशियों की बात की थी और अपने व्युत्पन्न राशियों की बात की थी, तो इसके अलावा भी अपने क्या है राशियां सदिश और अदिश दो प्रकार की थी। तो जो सदिश और अदिश राशियां जो आने वाले चैप्टर के अंदर अपने पढ़ने वाले हैं, इस प्रकार की अगर कोई राशि आती है कि भी एक राशि क्या अपने पास में सदिश हो और एक राशि अपने पास में क्या हो अदिश हो, तो विमीय समीकरण की सहायता से अपने इसके बारे में भी पता नहीं लगा सकेंगे कि अपने ये राशि जो है वो सदिश है या अदिश है। यानी विमीय समीकरण की सहायता से आप सदिश और अदिश का पता नहीं लगा सकते। जैसे आपने ये भी उत्पन्न किया था, ये भी उत्पन्न किया था, ये किया था, तो यहाँ से आप ये नहीं पता लगा सकते थे कि ये राशि जो है वो सदिश है या अदिश है, ठीक है। एक आधी कमी की बात और करें तो आपने ये देखा था V इक्वल यू प्लस ए टी देखा था, इसके अंदर आपने ये बोला था कि प्रत्येक पद की बीमा क्या रहती है, एक समान रहती है। प्रत्येक पद की बीमा क्या रहती है, एक समान रहती है। अगर किसी समीकरण में एक से ज़्यादा पद आ रहे हैं, जैसे यहाँ कितने पद आ रहे हैं, दो पद आ रहे हैं, ये किसके बराबर है, दो पदों के बराबर है। गति की तीनों ही समीकरणों में आप देख सकते हो कि एक से ज़्यादा पद आ रहे हैं, कम से कम दो पद तो सभी में आ रहे हैं। अगर किसी समीकरण में एक से ज़्यादा पद आ रहे हो तो विमीय समीकरण की सहायता से ऐसा सूत्र आप लोग व्युत्पन्न नहीं कर पाओगे, ठीक है। या तो आप सिर्फ इतना व्युत्पन्न कर पाओगे या फिर आप इतना व्युत्पन्न कर पाओगे, यानी आप लोग V इक्वल यू प्लस ए टी ये कंप्लीट व्युत्पन्न नहीं कर पाओगे, आप आधा आधा करके इसे व्युत्पन्न कर पाओगे। और फिर आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा पद कौन सी तरफ आने वाला है, तो ये भी इसकी एक कमी रहती है। यानी अगर राशियां या समीकरण जो है वो प्लस या माइनस के साथ में हो, योग और अंतर के रूप में पूरी एक समीकरण बनती हो, तो आप लोग नहीं बता सकोगे कि ये जो है किस पर डिपेंड करती है और संपूर्ण इसका सूत्र जो है वो क्या बनने वाला है। तो ये कुछ एक बीमाओं की कमी थी, ठीक है। तो ये अपने बीमाओं की कमी की बात कर ली, आपको कमी भी पता होना चाहिए ताकि आपको ये ना लगे कि अपने बीमाओं की सहायता से सब कुछ ही कर सकते हैं। परंतु आपने उपयोग भी देखे होंगे, बहुत सारे इसके उपयोग भी है, कुछ एक उपयोग इसके काम के भी है। जैसे मात्रकों की पद्धति को बदलना सबसे ज़्यादा काम में आने वाला है, ठीक है। आप लोगों को नहीं बताओ कि ये मात्रक जो है दूसरी पत्ती में बदलना है कितना मान आएगा, तो आप इसकी सहायता से क्या कर सकते हो, व्युत्पन्न कर सकते हो। दूसरा मैंने आपको बताया था कि सबसे ज़्यादा आपके वो भी काम में आ सकता है कि आपको बहुत सारे सूत्र याद करने पड़ेंगे, ठीक है। उन सूत्रों को जब आप लोग याद करोगे तो सूत्र के अंदर हो सकता है आप कन्फ्यूज हो कि इसकी पावर दो आने वाली है या तीन आने वाली है या कौन सी तरफ पावर आएगी, कौन सी टर्म कौन सी तरफ आएगी, तो बीमा की सहायता से आप लोग देख सकते हो कि सही सूत्र जो है इसका क्या होगा। बस आपको ये पता होना जरूरी है कि इसके अंदर जो राशियां आ रही है वो आपस में एक दूसरे पर निर्भर करती है या नहीं करती है, ठीक है। तो ये अपने कुछ एक बातें थी बीमा के बारे में। अब अपने बीमा से हट करके नया जो टॉपिक है वो शुरू कर रहे हैं, वो अपना टॉपिक है सूक्ष्म तथा वृद्ध दूरियों का मापन, ठीक है। तो अपना नया टॉपिक है सूक्ष्म तथा वृद्ध दूरियों का मापन। सूक्ष्म तथा वृद्ध, वृद्ध का मतलब बड़ी होती है, बड़ी दूरियां, वृद्ध दूरियों का मापन, ठीक है। वैसे तो आपको नाम से पता चल गया होगा कि इस टॉपिक के अंदर अपने क्या पढ़ने वाले हैं, पर फिर भी थोड़ा बता देता हूँ।
आज अपनी सूक्ष्म दूरियों की बात करेंगे, फिर उसके बाद में अपनी वृद्ध दूरियों की बात करेंगे। देखो ये जो अपने टॉपिक है सूक्ष्म तथा वृद्ध दूरियों का मापन, ये किस बारे में बताता है? आपको पता है कि अब तक आप लोग काफ़ी छोटी दूरियां जो है उनको ज्ञात नहीं किया आप लोगों ने। जैसे आप लोग अब तक जो दूरियां ज्ञात करते हो वो स्केल की सहायता से ही आपने छोटी दूरियां ज्ञात की होगी। आपके पास में एक स्केल होता है जिस पर सेंटीमीटर और इंच लिखे हुए होते हैं। जैसे यहाँ से ये शुरू है तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस प्रकार से आगे ये चलता जाता है, जिस पर सेंटीमीटर और इंच के रूप में लिखे होते हैं। और इसका जो छोटे से छोटा मान अपने ज्ञात करते हैं, ये जो ये 10 पार्ट में बंटा होता है, जो छोटा सा छोटे से छोटा मान अपने ज्ञात कर रहे थे वो 0.1 था, ठीक है, 0.1 सेंटीमीटर था। अब अगर इससे छोटा कोई मान आपको ज्ञात करना पड़ जाए, जैसे आपको इससे छोटा कोई मान ज्ञात करना पड़े, जैसे परमाणु का आकार हो गया, नाभिक का आकार हो गया, आपको पता है वो दूरियाँ काफ़ी छोटी दूरियाँ होती है। जैसे 10 की पावर -10 की बात करें, जिसे अपने एंगस्ट्रॉम बोलते हैं, एंगस्ट्रॉम एक के ऊपर जो एक शून्य बना देते हैं जिसको अपने एंगस्ट्रॉम बोलते हैं, एंगस्ट्रॉम, ठीक है। और अपने इसकी बात करें 10 की पावर -15 की, तो आपको पता होना चाहिए कि 10 की पावर -15 को अपने क्या बोलते हैं, फर्मी बोलते हैं, और स्मॉल एफ से लिखते हैं, ठीक है। तो ये अपने फर्मी और ये अपने 10 की पावर -10 एंगस्ट्रॉम, ये मीटर के अंदर दूरियाँ लिखी गई है, 10 की पावर -10 मीटर और 10 की पावर -15 मीटर, ठीक है। अब अगर ऐसी दूरियों का अपने को मापन करना पड़ जाए, तो ऐसी दूरियों का मापन अपने जो सीधी सीधी विधि है उसके द्वारा मापन नहीं कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि सीधी जो अपने मापन करते हैं वो छोटी दूरियाँ अपने स्केल की सहायता से मापन करते हैं। और स्केल की सहायता से आपको पता है कि आप जो 0.1 सेंटीमीटर तक की दूरियाँ उन्हीं को ज्ञात कर सकते हो। तो अगर आपको क्या करना पड़ जाए, काफ़ी छोटी दूरियों का मापन करना पड़ जाए, जैसे 10 की पावर -10, 10 की पावर -15, अगर ऐसी दूरियों का आपको मापन करना पड़ जाए तो आप स्केल की सहायता से नहीं कर सकते, ठीक है। ये तो बात हो गई सूक्ष्म दूरियों की। वृद्ध दूरियों की अगर बात करें, तो आपको पता है कि अपने दूरियाँ जब फिजिक्स में ज्ञात करने लगते हैं तो अपने क्लासरूम से शुरू होती है और सीधा अपने काफ़ी बड़े बड़े पिंडों की ओर पहुंच जाते हैं। जैसे पृथ्वी, और पृथ्वी से सीधे अपनी दूरी बात कर लेते हैं चंद्रमा की, कि पृथ्वी से चंद्रमा अपना कितनी दूरी पर है, ठीक है। और यहाँ से अपना सीधा बात कर लेते हैं कि जो सूर्य है उससे दूरियाँ कितनी हैं, ठीक है। इसके अलावा अपनी बात कर लेते हैं कि जो बहुत सारी ग्रह उपग्रह उन सब की पृथ्वी से दूरियाँ कितनी है, चंद्रमा से कितनी दूरी पर है, सूर्य से कितनी दूरी पर है। तो ये जो दूरियाँ हैं आपको पता है कि अपने प्रत्यक्ष विधि से तो इनको ज्ञात नहीं कर सकते, अपने स्केल तो नहीं लगा सकेंगे पृथ्वी और चंद्रमा के बीच में कि ये दूरी जो है वो इतना मीटर सेंटीमीटर किलोमीटर है। तो अपने इन सब दूरियों का अगर मापन करना हो तो अपने अप्रत्यक्ष विधियां काम में लेते हैं, ठीक है, कोई और विधि काम में लेते हैं जिसकी सहायता से अपने क्या कर सके, सूक्ष्म और वृद्ध दूरियों का मापन कर सके। तो ये अपना टॉपिक है सूक्ष्म तथा वृद्ध दूरियों का मापन। इसके अंदर सबसे पहले अपने जो बात करते हैं वो सबसे पहले अपनी बात कर लेते हैं सूक्ष्म दूरियों के मापन की, ठीक है। हालांकि अपने पास में इतना समय बचा नहीं है, तो अपने ओलिक अम्बल जो है उसकी बात करेंगे। चलो उसकी बात अपने अगले वीडियो के अंदर करेंगे, आज जो टाइम था उसके अंदर आपको कुछ विमा के बारे में भी बता देता हूँ, 1-2 मिनट का टाइम बचा है। जो अपने चैप्टर पढ़ा है इसके अंदर अब तक अपने क्या क्या पढ़ा है, अब तक जो चैप्टर के अंदर आप लोगों ने पढ़ा है मात्रक के बारे में पढ़ा है, मात्रकों की 3 पद्धतियों के बारे में पढ़ा है, MKS CGS FPS, उसके अलावा आप लोगों ने SI पद्धति के मात्रकों के बारे में पढ़ा है। यहाँ से मैंने आपको बताया था एक नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि SI पद्धति के मात्रकों के नाम लिखिए। तो SI पद्धति का जो मात्रक होता है 7 मूल मात्रक थे और 2 यहाँ पर पूरक मात्रक थे। और आज जो अपने पढ़े हैं व्युत्पन्न मात्रक पढ़े हैं, जैसे न्यूटन व्युत्पन्न मात्रक है, डायन व्युत्पन्न मात्रक है, जूल व्युत्पन्न मात्रक है, अर्ग अपने पढ़ा है कौन सा मात्रक है, व्युत्पन्न मात्रक है। तो ऐसे अपने बहुत सारे मात्रक आने वाले हैं जो कौन से मात्रक होंगे, अपने व्युत्पन्न मात्रक होंगे। तो ये 7 मूल मात्रक थे और ये अपने पास में 2 पूरक मात्रक थे। फिर अपने इनकी परिभाषाओं की भी बात की थी और मैंने आपको बताया था कि एग्जाम के अंदर आप लोगों से 1 नंबर की जो है वो परिभाषा भी पूछी जा सकती है कि जो अपने पास में मात्रक होते हैं मूल मात्रक या व्युत्पन्न मात्रक उनकी परिभाषाएं लिखी, ऐसा क्वेश्चन भी एग्जाम के अंदर आपसे 1 नंबर का पूछा जा सकता है। उसके बाद में विमाओं की बात की थी अपने, विमाओं की बात की थी। जब अपना चैप्टर पूरा होगा तो कुछ एक इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है चैप्टर के अपने फिर से चर्चा करेंगे इसकी। तो विमा के अंदर भी अपने विमीय सूत्र देखा था कि अपने विमा का मतलब होता है कि जो अपने व्युत्पन्न मात्रक बनाते हैं वो किसकी सहायता से बनाते हैं, मूल मात्रकों की। तो विमा अपने को बताती है कि व्युत्पन्न मात्रक बनाते समय मूल जो अपने मात्रक है उन मूल मात्रकों को कितनी बार काम में लिया गया है। तो ये बात अपने कौन बता रहा था, ये बात अपने को
बीमा बता रही थी, ठीक है। उसके बाद में अपने कुछ ऐसी राशियां भी पढ़ी थी जिनकी बीमा नहीं होती। एग्जाम में 2-3 बार पूछा गया है कि बीमा इन राशियों का नाम लिखिए, कोई 2 राशियां बताइए जिनकी बीमा नहीं होती है।